JNU में जो स्ट्राइक अनशन हो रहे हैं उसका प्रभाव, उसका असर हमें देश भर में दिखाई देता है। मुंबई पवई IIT गेट के सामने एक JNU का ऐसा ही अनशन शुरू है, पर JNU को ग्रासरूट लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे कितना लोग सपोर्ट करते हैं, इस मुद्दे को लेकर हमने बस्ती के कुछ युवकों से बात की। मुझे बताइए कि जो JNU का जो मुद्दा चल रहा है, उनके अनशन चल रहे हैं, तो उसका असर बस्ती लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कितना पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ भी अनशन चल रहा है वो दिल्ली तक या उस यूनिवर्सिटी तक ही सीमित बन गया है, क्योंकि उसका जो भी प्रचार प्रसार जो भी हो रहा है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक, अगर वहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब जो भी JNU है वहाँ तक, अगर मुंबई में आएगा तो IIT बॉम्बे, मतलब बोलते हैं ना कि जहाँ पे बाहर से लोग पढ़ने आते हैं या फिर ग्रासरूट लेवल के लड़के जहाँ पे पढ़ने नहीं जाते ऐसे जगह पे वो अनशन हो रहा है, यहाँ पे वहीं पे सिर्फ स्ट्राइक हो रहे, वो बस्ती लेवल तक नहीं पहुँच रहे। क्योंकि बस्ती लेवल तक क्यों नहीं पहुँच रही, क्योंकि उन लोग बस्ती लेवल से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उनका कुछ मतलब अगर बस्ती लेवल का देखा जाए तो बस्ती लेवल वालों को क्या है, उनके खुद के सवाल इतने हैं कि वो खुद वो सॉल्व नहीं कर पाते। हम अगर सोचेंगे कि अन्ना हजारे का अनशन दिल्ली में जंतर मंतर में है, हाँ। तो वहाँ पे लोग तुरंत चले जाएंगे या तुरंत TV खोल के बैठ जाएंगे, लेकिन जब JNU का मुद्दा होता है, कन्हैया कुमार का होता है, तब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? हाँ, अन्ना हजारे जो कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। तो फिर ये लड़ाई और वो लड़ाई में क्या फ़र्क क्या है? ये भी तो कॉमन लड़ाई है, ये भी स्टूडेंट्स की लड़ाई है। देखिए, अभी आपने कहा कि वो स्टूडेंट की लड़ाई है, आम इंसान की लड़ाई हो नहीं सकती। अब स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स डिफरेंस हो ही जाता है, और पॉइंट ये है कि वो कनेक्ट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि स्टूडेंट की जो कहते हैं ना, क्या अभी मैं एक खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और दूसरे एक स्टूडेंट है कन्हैया लाल जी जो दिल्ली में पढ़ते हैं, तो मुझे खाली इतना फोकस है मेरे लाइफ में कि मुझे मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है या मुझे मेरे परिवार के जो गरीबी है वो दूर करनी है, तो मैं उस मामले में क्यों पढूं? अगर मैं पढ़ा तो फिर मेरे पढ़ाई भी वेस्टेज होगी, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, उससे अच्छा मैं ना ही करूँ तो बेहतर है। मेनस्ट्रीम मीडिया में जो मुद्दों के ऊपर न्यूज़ दिखाते हैं उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर हमें कम देखने को मिलता है, ऐसा हमें बस्ती के लोगों के साथ में बातचीत करने के बाद पता चला। ऐसे मुद्दों का प्रचार प्रसार हो इसके लिए सामुदायिक मीडिया की बहुत ज़रूरत है। मुंबई से अमोल लालझरे, इंडिया अनहड़ के लिए।